कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार समाज में विभाजनकारी, वैमनस्यकारी और घृणा बढ़ाने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी ने पिछले एक दो दिनों में लगातार हिंदू और हिंदुत्व शब्द को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जो न सिर्फ तिरस्कारपूर्ण बल्कि अपमानजनक है। उदाहरण के लिए वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि ऐसा तो कोई शब्द है ही नहीं। आप सुन सकते हैं, कांग्रेस क्या सोप हिंदुत्व की रणनीति पे चलेगी इस बार भी? हिंदू शब्द है ही नहीं, कहां की बात करते हैं आप? अब मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, यदि हिंदू शब्द नहीं है तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रचार प्रमुख श्री सुरजेवाला जी ने उन्हें जनेऊधारी हिंदू कैसे कहा था, और शिव भक्त हिंदू, जनेऊधारी हिंदू की पार्टी के अध्यक्ष यह बताएं कि कितनी बार उनकी पार्टी कलाबाजी लेगी कि कभी वो केरल में सार्वजनिक रूप से सड़क पर गोमांस की दावत देंगे और कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाएंगे। और जिस शैली और भाषा में उनके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, ये सिर्फ उनके अज्ञान को नहीं बल्कि उनकी पार्टी के षड्यंत्र को दर्शाता है। कि श्री राहुल गांधी जी यह स्पष्ट करें कि जिम्नास्टिक स्टाइल कलाबाजियां कांग्रेस की कब बंद होंगी, दूसरा भय और भ्रम की राजनीति कब तक चलेगी, तीसरा घृणा और वैमनस्य की राजनीति और हिंदू और हिंदुत्व शब्द के साथ अपमान, तिरस्कार और घृणा का यह अभियान कब तक चलेगा। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।